हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अनिल सर आईटीआई यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। रेलवे की तरफ से एक बड़ी नोटिस आई हुई है इस लॉकडाउन में कि आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली की तरफ से जो भी कैंडिडेट का फरवरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तीसरे बैच का रायबरेली आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली का तीसरा जो बैच हुआ बैच का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था। प्रमाण पत्र का सत्यापन होने के बाद 29 अप्रैल को रिपोर्टिंग हो गया है, ज्वाइनिंग का डेट आ गया है 29 अप्रैल को जाना। सभी को सुनिश्चित किया गया कि जो जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली के लिए तीसरे बैच का, तो उन सभी को 29 अप्रैल को ज्वाइनिंग का डेट आ गया है। और कौन कौन सेलेक्टेड कैंडिडेट है इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करने पहले आपको हम बता दें, अगर आपको इस तरह कोई भी नोटिस आपको मिलती है तो सबसे पहले अनिल सराइटी यूट्यूब चैनल पर या anilsaraitia@gmail.com या व्हाट्सएप ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन होकर हमें जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक अनिल सराइटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बहुत बड़ी गुनाह कर रहे हैं। इससे अनिल सराइटी यूट्यूब चैनल पर सभी तरह की नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगी, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जो दिख रहा है लाल बटन दबाने के बाद, तो उसको बेल आइकन को प्रेस कर लेता है, कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। तो ये देखिए अब क्या क्या लेकर जाना है। तो याद रखिए, जो जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है वो छोड़िए मत, सभी अपने मूल प्रमाण पत्र ले लीजिएगा। मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, आईटीआई का मार्कशीट, आईटीआई का सर्टिफिकेट, साथ ही आधार कार्ड, पैन कार्ड और भी जैसे कि अपना बैंक का पासबुक ले लीजिएगा, साथ ही अपना जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र हो सके तो ले लीजिएगा, और जन्म प्रमाण पत्र बनाए हुए तो ले सकते हैं, अन्यथा नहीं लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है। आपके पास जितने प्रकार के भी डॉक्यूमेंट्स है सभी ले लीजिएगा। कहाँ जाना है देखिए, तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र आरएडी का रायबरेली, यहाँ जाना है। तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र आरएडी का रायबरेली, यहाँ पर जाके आपको रिपोर्ट करना है। कितने तारीख को? तो 29 अप्रैल को जो जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको जाना है अपना डॉक्यूमेंट लेकर। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले लीजिएगा, अपने सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड और पैन कार्ड। और उसके बाद 29 फरवरी को अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो आप प्रशिक्षण से वंचित हो जाइएगा, जरूर जाइएगा। तो किन किन को जाना है, तो ये देखिए प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट है थर्ड बैच का, इसमें ये फीटर है, इसमें टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट है जनरल में 24 8। देखिए यहाँ पे पूरा देखिए, इस पर नाम देखिए, यहाँ पे कैसे देखिए नाम, यहाँ पे कंट्रोल नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और ये कैटेगरी और फाइनल स्टेटस जनरल में है और रिपोर्टेड फॉर डीवी। और इधर एक रिमार्क, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं लेकर गए थे, नहीं छोड़ दिए थे, जैसे ये कैंडिडेट जो है गणेश कुमार ने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किए थे, तो इनको सबमिट करना पड़ेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, फिर सबमिट जरूर कीजिएगा। यहाँ से अपना जो भी गलतियां होते नहीं लेकर गए, जैसे कुछ बच्चे कुछ सर्टिफिकेट्स नहीं लेकर गए हैं, यहाँ पे कुछ और बच्चे हैं जैसे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं सबमिट किए हैं, तो उनको सबमिट करना होगा फिर से। तो अपना भी देख लिया आपके क्या दिक्कत है, क्या छूटा हुआ है। तो ये देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट नॉट सबमिटेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट, ये जो कैंडिडेट है सागर कुमार, इन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं सबमिट किए हैं, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बनावा लेकर जाएगा तभी आपको ज्वाइनिंग कराया जाएगा। और डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं रहेगा तो आपको नहीं ज्वाइनिंग कराया जाएगा। ये देखिए, आईटीआई मार्कशीट नॉट वेरीफाइड विथ ओरिजिनल, ये सचिन कुमार ने अपना आईटीआई का ओरिजिनल मार्कशीट नहीं लेकर गए थे, तो इनको रिपोर्टिंग के समय इनको ओरिजिनल मार्कशीट लेकर जाना होगा। इस तरह से जो भी, जैसे कि इनका एक और है आदित्य जायसवाल, इनका पिता का नाम इज डिफरेंट इन हाई स्कूल मार्कशीट एंड आधार कार्ड पैन कार्ड। तो देखिए अपना आधार कार्ड का पिता का नाम चेंज करा लीजिएगा, वो चेंज हो जाएगा तो जल्दी से चेंज करा लीजिए, रिसीविंग लेकर चले जाइएगा। फिर उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सारा तो सही है, बाकी इसमें देखिएगा पिता का नाम डिफरेंट है आधार कार्ड पर, तो आधार कार्ड सुधरवा लीजिएगा, या मैट्रिक का मार्कशीट गलत हुआ तो जो भी सुधर सकता है सुधरवा लीजिएगा। इससे बाकी सब सही है, इसमें बाकी कुछ नहीं है। और कोई भी तरह की जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये सारा जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड है तो वो अपना जरूर जाएगा, ये मत देखिएगा कि लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना फैला है तो नहीं जाएंगे, इस तरह से मत जाइए, लेकिन ऐसे मत कहिए, जरूर जाइएगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मौका है जो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है, क्योंकि फिर ऐसा मौका आएगा नहीं, फिर जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट नहीं जाएंगे तो उनको दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा, और दूसरा समय नहीं आया कि फिर जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनको बाद दोबारा सेकेंड लिस्ट में नाम, ऐसा नहीं आएगा। एक बार आ गया और आप नहीं जाते हैं तो आप इसके लिए प्रशिक्षण से वंचित रह जाएंगे,
यहाँ पे दिया गया है, प्रशिक्षण से वंचित रखा जाए, इसलिए आप जरूर जाएं। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, और जो जो कैंडिडेट का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं जमा हुआ है वह यहाँ डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड करके और जल्दी बनवा लीजिए। और ध्यान से देखिएगा और ध्यान से रहिए और अपना ख्याल रखिए, और मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। तब तक अनिल सर आईटी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके इस तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।